हेलो नमस्ते कैसे हैं? आप लोग फटाफट फड़ से क्लास में तो सारे बच्चे क्लास में आ जाएंगे और क्लास को शेयर भी कर देंगे सेशन को बढ़िया तरीके से शेयर करके क्लास में आ जाइए तो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक है ना वी आर बैक विद द बैंग लेकिन बैंक कहीं दिखाई नहीं दे रहा बैक बैक दिखाई दे रहा है मुझे तो कहाँ चले गए कहाँ तुम चले गए यही गाना गाने का मन कर रहा है कहाँ तुम चले गए अरे हमारे एयरफोर्स वाले बच्चों नेवी वाले बच्चों कोस्ट गार्ड वाले बच्चों क्या सिर्फ इतने ही बच्चे रह गए हैं तैयारी करने के लिए हैं कहाँ गए तुम तो आज से फिर से एक नई शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से जैसे हमने पहले तैयारी शुरू की थी वैसे ही अपनी तैयारी फिर से शुरू करेंगे अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे रोज पढ़ा करेंगे डेली आपकी क्लास होगी रोज सुबह दस बजे हुआ करेगी लेकिन ऐसे मज़ा नहीं आ रहा मतलब एक वो मजा नहीं आ रहा मतलब होता है ना कि बच्चे आते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में बहुत सारे मतलब आप सब लोग आते हो पढ़ते हो है ना भाई मैम ये चीजें ऐसे वैसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्लास में एक्साइटमेंट नहीं दिखाई दे रही आप लोगों की पढ़ने पढ़ाई के प्रति क्यों भाई एयरफोर्स का नोटिफिकेशन नहीं आया रिजल्ट नहीं आया इसलिए इसलिए नहीं है ना जिस दिन रिजल्ट आएगा फिर नोटिफिकेशन आएगा पेपर आएगा टाइम नहीं मिलने का है फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको ठीक है और जिंदगी में कभी रुका नहीं जाता है अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग एस जीडी का पेपर देने गए हो है तुम में से एस जीडी वाले बच्चे भी हों तो आप में से किस किस का एस जीडी का पेपर है ये बता देना अगर किसी का हो तो भी मेन चैनल पे चले जाना साढ़े दस बजे ठीक है साढ़े दस बजे मेन चैनल पे चले जाना वहाँ पे चलेगा आपका एनालिसिस बढ़िया तरीके से चलिए और उसको भी शेयर कर दीजिएगा हाँ देखो अब ऐसा है ना कि बीच में आपका एनडीए का पेपर आ गया था तो आपकी एनडीए की क्लासेस चल रही थी तो हम एक हमने एक ब्रेक लिया था ब्रेक नहीं लिया था कि आपकी क्लासेस जो है कुछ हो पा रही थी कुछ नहीं हो पा रही थी तो वो चीज़ें हम मैनेज करते हैं जब आप लोगों का पेपर आता है तब एन की क्लासेज भी डिस्टर्ब होती तो एन वाले बच्चे आर वेरी मेच्योर वो कभी भी ऐसे नहीं कहते हैं कि ये क्या कर दिया ऐसे क्यों कर दिया वैसे क्यों कर दिया ठीक है तो अच्छे से पढ़िए बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे अभी भी पहले ही पढ़ाएं आगे भी पढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़िया बढ़िया चीजें करेंगे तो एक बार सेशन को शेयर कर दो फिर मैं तुम्हें तो दो लाइनें सुना देती हूँ है ना दो लाइनें मेरी तरफ से वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं मरेंगे वतन के लिए ये शर्त हम मौत से लगाए बैठे हैं तो बिल्कुल उस वतन की मोहब्बत के लिए एक लाइक और एक शेयर बनता है ठीक है तो जल्दी से एक बार आ जाइए क्योंकि सभी का चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी करें नेवी की बात करें कोस्ट गार्ड की हम किसी की भी बात कर ले जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो रक्षा यानी कि देश की रक्षा की बात आती है फिर दिल जाए जान जाए कुछ भी जाए दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए तो वही वाली मोहब्बत लेकर के क्लास में आ जाइए एक बार फिर करते हैं क्लास की शुरुआत ठीक है तो नेवर स्टॉप है ना लेकिन आप लोग स्टॉप हो जाता है फुल स्टॉप लग जाता है गो अप एंड नेवर स्टॉप तो कभी भी रुकना नहीं चाहिए जिंदगी में कुछ भी हो जाए खड़े रहो हमेशा दौड़ने के लिए दौड़ नहीं सकते चलो चलो नहीं सकते रेंग, रेंगो लेकिन रुको मत अगर आप रुक जाओगे तो फिर आप आपका विनाश निश्चित है फिर आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में तो कभी भी हमें रुकना नहीं चाहिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से बढ़ते रहिए ठीक है ऐप पे क्लास होती तो बेटा सबकी ठीक है तो एक बार सेशन को शेयर कर दो इसे सो प्लस तो कर दो है पूजा मैम खड़ी है भाई सामने इसे सौ प्लस तो कर दो मतलब मुझे क्या बोलूँ आई कांट एक्सप्रेस कैसा लग रहा है मुझे ठीक है ओम ये जो भी है आप नाम भी अजीब अजीब से रखे आते हो ठीक है चलिए तो एक बार शेयर करके क्लास में आइएगा चलते हैं तो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन हम लोग कवर करने वाले हैं तो यहाँ पर काफी आपके कैटेगरीज आते हैं स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में कौन कौन सी कैटेगरीज आती है भाई आपकी जैसे कि स्पोर्ट्स के दो सेक्शन हो सकते हैं आपके एक स्टैटिक होता है एक आपका करंट अफेयर होता है ठीक है तो आपको क्या याद करना होता है आपको स्टैटिक भी पढ़ना होता है और आपको करंट अफेयर भी पढ़ना होता है ठीक है भाई तो स्टैटिक में क्या क्या चीजें आती है जैसे कि खेलों के कप कौन कौन से हैं कप्स एंड ट्रॉफी हो गए आपके नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं किसी भी खेल में उस खेल के ग्राउंड को क्या कहा जाता है और उस खेल से संबंधित खिलाड़ी कौन कौन से हैं उस खेल के टूर्नामेंट्स कौन कौन से होते जैसे अभी हमने टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप पढ़ा तो टी ट्वेंटी का बैकग्राउंड जो आप पढ़ेगी वो आपका स्टैटिक में आ जाएगा और टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप वर्तमान में किसने जीता ये आपका करंट अफेयर में आ जाएगा टेनिस में चार ग्रैंड स्लैम्स होते हैं कितने होते हैं चार होते हेलो 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 है ना आ गई आवाज देखो आ गई है ना आवाज आ गई होगी देख लीजिए तो आ गई ना आ गई आ गई आ गई अरे साउंड प्रॉब्लम हो गई ठीक एवरीथिंग इज ओके नाउ प्लीज फोकस ठीक है देख लीजिएगा तो स्टैटिक और करंट अफेयर दो चीज है तो पहले हम स्टैटिक वाला पोर्शन कर लेते हैं फिर हम करंट अफेयर वाला पोर्शन कर लेंगे है ना पहले हम स्टैटिक वाला पोर्शन कर लेते हैं ठीक है भाई तो शुरुआत कहाँ से करते हैं कि कितने जो है आपके नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है मैं आपको याद भी करा दूंगी अभी क्लास में लेकिन पहले एक बार देख लीजिए कितने होते हैं ठीक है अरे वो माइक बंद हो गया था उसमें बैटरी खत्म हो गई थी हो गई ठीक है क्यों भाग के जा रहे हो क्लास से ठीक है बेसबॉल तो बेसबॉल में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं भाई आपके नौ खिलाड़ी होते हैं कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं आपके नौ होते हैं बेसबॉल में किसमें भाई आपके बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं आपके तो बेसबॉल में लिखा है आपके नो खिलाड़ी होते हैं कितने नो रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं तो रग्बी फुटबॉल इसमें आपके पंद्रह खिलाड़ी होते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं बच्चों पंद्रह खिलाड़ी होते हैं फिफ्टीन होते हैं लिख लीजिए कितने होते हैं रग्बी फुटबॉल में आपके पंद्रह खिलाड़ी होते हैं पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं चार तो पोलो में तो आपके जो लेटर आते हैं वो कितने आते हैं चार आते हैं खिलाड़ियों की संख्या भी कितनी होती है चार होती है वोटर पोलो में कितने होते हैं तो यह होता है आपका वोटर ठीक है तीन तो आपके ये होते हैं और चार पोलो में तो ये हो गए आपके सात खिलाड़ी कितने खिलाड़ी होते हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स सेवन आपके नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं देख लीजिए खो खो में कितने होते हैं आपके खो खो में नौ होते हैं तीन लेटर यहाँ पर है तीन लेटर यहाँ पर है तीन गुणा में तीन नौ प्लेयर्स होते हैं देख लीजिएगा कितने होते हैं बच्चों नाइन प्लेयर्स होते हैं ठीक है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में आपके सात खिलाड़ी होते हैं तो कबड्डी हो गया आपका वोटर पोलो दोनों में ही कितने बता दिए मैंने आपको सात सात बता दिए बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं आपके तो बेसबॉल में आपके नौ खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में आपके पंद्रह खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में आपके सात खिलाड़ी होते हैं खो 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 में आपके नौ खिलाड़ी होते हैं तो इनको आप लोग बेटा अच्छे से याद रखिए, ठीक है ओके okay. कौन सी आफत आ गई भाई इसमें चलिए एक सेकेंड रुकना वेरी गुड ठीक है तो याद रखेंगे बेसबॉल में कितने हैं आपके नौ खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में कितने हैं आपके पंद्रह खिलाड़ी पोलो में चार लेटर होते हैं एक दो तीन चार चार खिलाड़ी वोटर पोलो को जब हिंदी में लिखते हैं वोटर में तीन लेटर आते हैं पोलो में चार लेटर आते हैं तो कितने आ जाएंगे आपके सात खिलाड़ी कबड्डी में कितने आ जाएंगे आपके सात खिलाड़ी और खो खो में कितने होते हैं आपके नौ प्लेयर्स होते हैं कितनी संख्या होती है खिलाड़ियों की नाइन होती है लिख लीजिए तो कोई दिक्कत इसमें तो आप मुझे बता सकते हैं ठीक है भाई चलिएगा स्टैटिक से कितने आते हैं तुम्हारे अभी पेपर बना के दे हैं अभी दे दू पेपर बना के ये बताओ हॉकी हो गया आपका फुटबॉल और क्रिकेट तो तीनों में कितने खिलाड़ी होते खिलाड़ियों की संख्या तीनों में आपकी ग्यारह होती है कितनी होती है बच्चा इलेवन होती है देख लीजिए ग्यारह होती है ठीक है ग्यारह हॉकी फुटबॉल क्रिकेट याद रखिएगा फुटबॉल में ग्यारह खिलाड़ी होते हैं और जो आपकी रग्बी फुटबॉल होती है उसमें आपके पंद्रह खिलाड़ी होते हैं कितने पंद्रह अभी पिछली स्लाइड पे दिखाया था मैंने आपको ठीक है नेटबॉल में सात खिलाड़ी होते हैं तो एक हो गया आपका नेटबॉल ठीक है एक हो गया आपका यहाँ पर कबड्डी और एक हो गया आपका वोटर पोलो कितने प्लेयर्स होते हैं सेवन होते हैं तो आप इनको एक साथ लिख सकते हैं नेट बॉल हो गया आपका ठीक है कबड्डी लिख लीजिएगा कबड्डी और एक अपना वोटर पोलो इन तीनों में क्या लिखी खिलाड़ियों की संख्या आपकी लिखी हुई है में कितने होते हैं? तो वॉलीबॉल को आप ऐसे लिखते हैं ठीक है? इस ला को टेढ़ा कर दीजिएगा तीन और जब आप दूसरा ला आता है इसको टेढ़ा कर दो तीन बन जाएगा तीन और तीन कितने होते हैं छे तो वॉलीबॉल में कितनी होती है खिलाड़ियों की संख्या भाई आपकी छह होती है जैसे मैंने आपको खो खो में बताया था अभी खो और खो गुणा की जाती है खो में तीन लेटर होते हैं खो में तीन होते हैं नो बन जाता है ये ट्रिक होती है इसको याद करने की कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है किस में कितने खिलाड़ी है याद नहीं कर पाते पोलो में चार वोटर पोलो में सात कैसे हो गए कहीं वो पोलो में सात ना कर दे तो पोलो में सात करने की बात नहीं बनती पोलो में चार लेटर होते हैं चार होते हैं वोटर पोलो वोटर के तीन लेटर पोलो के चार लेटर सात खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में सात होते हैं आपके और आपके नेट बॉल में भी सात होते हैं वॉलीबॉल में छह होते हैं वॉलीबॉल है ना वॉलीबॉल दो बार ला आता है ला को टेढ़ा करोगे थ्री बन जाएगा इस ला को ऐसे कर दो थ्री बन जाएगा तो वॉलीबॉल में दो बार ला ला आता है छह हो जाएंगे ठीक है भाई बैडमिंटन हो गया टेनिस हो गया टेबल टेनिस या तो सिंगल्स होता है या फिर डबल्स होता है सिंगल में एक खिलाड़ी होता है डबल में दो खिलाड़ी होते हैं समझ गए तो सिंगल डबल्स ये भी आपको याद हो जाएगा बास्केटबॉल में कितने होते हैं आपके पांच होते हैं अब बास्केटबॉल को कैसे याद रखोगे तो बास्केटबॉल को आप ऐसे याद रखोगे देखो बास्केट बॉल ठीक है बास्केट बॉल होती है देखिएगा बास्केट बॉल अरे मेरे भैया बास्केटबॉल राइट इसको ऐसे लिखा जाता है तो ये जो बास्केटबॉल में टा आता है, है ना इसको आप फाइव की तरह याद कर सकते हो कैसे है ना टॉस से आप फाइव याद कीजिएगा जैसे कि यहाँ पर देखिए ये है आपका ये ठीक है ये ये क्या बन गया आपका ये आपका उल्टा फाइव बन गया बन गया कि नहीं बन गया उल्टा फाइव बन गया ना आपका तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं आपके पांच खिलाड़ी होते हैं कितने होते हैं बच्चों पांच खिलाड़ी होते हैं सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी के कमेंट दिखाई दे रहे रिप्लाई करने का टाइम नहीं है रिप्लाई तब करूंगी जब तो क्वेश्चन पूछूंगी है ना तब करूंगी जब तो क्वेश्चन पूछूंगी तो बास्केटबॉल में कितने होते हैं प्यारे बच्चों आपके पांच खिलाड़ी होते हैं ठीक है ओके बोलो ओके में। ओके मैम 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 बोलो बिलियर्ड्स और स्नूकर में एक होता है आपका बॉक्सिंग या चेस में आपके एक होता है ब्रिज जो खेल होता है इसमें आपके दो होते हैं एक होता है आपका क्रोकेट इसमें आपके तेरह या पंद्रह खिलाड़ी होते हैं कितने होते हैं तेरह या पंद्रह होते हैं क्रोकेट होता है एक होता है आपका क्रिकेट और एक होता है आपका क्रोकेट अभी दिखाऊंगे क्रोकेट कैसा होता है आपका और एक होता है आपका लोक्रोस लोक्रोस में आपके बारह खिलाड़ी होते हैं कितने होते हैं आपके बारह होते हैं ठीक है भाई लोक्रोस होता है आपका क्रोकेट होता है क्रोकेट में तेरह या पंद्रह होते हैं लोक्रोस में आपके बारह खिलाड़ी होते हैं तो ये देखिएगा इसमें जो आपका ये खेल है ये वाला जो खेल है ये आपका क्रोकेट है क्या है आपका क्रोकेट ठीक है भाई क्रोकेट होता है तो नाम से आप दिखा देख सकते हैं इसमें जो है इस प्रकार से कुछ चीजें होती है बॉल्स वगैरह होती है ये इनका एक बैट टाइप होता है और इससे ये मारते हैं ये नहीं जैसे आपके स्टम्प टाइप इस प्रकार से खेल खेलते हैं जिसे आप क्रोकेट कहते हो और क्रोकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है तेरह या पंद्रह होती है ठीक है देखो आप देख सकते हो बहुत बड़ा ग्राउंड होता है तो नंबर ऑफ प्लेयर्स की संख्या जो है आपकी कितनी होती है बारह होती है कितनी होती है आपकी बारह होती है कोई कंफ्यूजन यहाँ तक अगर है तो बताइए चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने इस पर आप मुझे बताएंगे अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है आप मुझे बताइएगा कि कितने कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है मैं लिखते जाती हूं यहां पर आप मुझे बताएंगे आपके टेनिस में कितने होते हैं टेनिस में बैडमिंटन में कितने होते हैं बैडमिंटन खिलाड़ियों की संख्या बताओ फटाफट बॉक्सिंग में कितने होते हैं बॉक्सिंग में पोलो में कितने होते हैं बास्केटबॉल में कितने होते हैं ठीक है वॉलीबॉल -ball में कितने होते हैं भाई नेटबॉल में कितने होते हैं कबड्डी में कितने होते हैं आपके वोटर पोलो में कितने होते हैं खिलाड़ियों की संख्या वोटर पोलो बताइए वोटर पोलो के बाद में आ जाएगा आपका बेसबॉल बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं आपके क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल में कितने कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है उत्तर दीजिएगा ठीक है रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं लक्रोस में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है स्पेलिंग गलत हो सकती है डोंट माइंड प्लीज ठीक है क्रोकेट में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है आंसर दीजिए आंसर मी किसी को डाउट हो बास्केटबॉल भी लिखा है इसमें ठीक है तो टेनिस में बैडमिंटन में बॉक्सिंग में तीनों में ही खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है आपकी एक या फिर दो होती है ठीक है मतलब बॉक्सिंग में तो एक ही होता है हाँ ओके ठीक है है भाई तो तो बॉक्सिंग में में एक ही होता बैडमिंटन दो हो सकते हैं बेसबॉल है। में आपके नौ खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट हॉकी फुटबॉल में आपके ग्यारह खिलाड़ी होते हैं रग्बी हो फुटबॉल में पंद्रह लेक्रोस में आपके तेरह या पंद्रह हो सकते हैं और आपके क्रोकेट में बारह खिलाड़ी उल्टा लिख दिया मैंने यहां पर आपके इस प्रकार से होती है चीजें आपकी ठीक है भाई क्लियर है कोई दिक्कत तो बताइए कोई दिक्कत तो बताइएगा वैसे नहीं होगा कोई भी इश्यू आपको इसमें अगर है तो आप मुझे बता सकते हैं तो खिलाड़ियों की संख्या में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जब का गोल्फ होता है उसमें काफी प्लेयर्स होते हैं है ना काफी प्लेयर होते हैं तो गोल्फ आपसे पेपर में नहीं पूछा जाता सी की तैयारी आप ऑनलाइन वेंचर बाय एग्जामपुर से कर सकते हैं ठीक है ऑनलाइन वेंचर बाय एग्जामपुर और बताइएगा भाई और बताइए और बताइए बताओ स्प्राइट सब क्लियर है ओके चलिए तो अगला देखते हैं अगला टॉपिक क्या है आपका अगला आ जाता है कि खेल परिसर जिस स्थान पर खेल खेला जाता है उस थान को क्या कहा जाता है ठीक है तो उसके अलग अलग नाम होते हैं कहीं कोर्ट भी कहते हैं कहीं पे कैंपस कहा जाता है कहीं पर फील्ड कहते हैं तो सभी खेलों से संबंधित जो कोर्ट होती है उन्हें क्या कहा जाता है ये आपके पेपर में आता है आता है कि नहीं आता है देखो कौन सा खेल कौन से देश में खेला जाता है यहाँ पे खिचड़ी नहीं पकानी है वो मैं आपको अलग से कराऊंगी कल यही पढ़ेंगे कल खेलों की ट्रॉफी वगैरह होगी और कौन सा खेल किस देश में खेला जाता है ये वाला टॉपिक होगा ठीक है तो अभी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए अभी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वेरी नाइस nice. <laughs> मैं क्या ही बोलू चलिए बच्चों है ना सेशन को शेयर कर देना देखो कोर्ट किसे किसको कहा जाता है कोर्ट खेल जहां पर खेला जाता है कोर्ट कहा जाता है जहां पर टेनिस खेला जाता है बैडमिंटन खेला जाता है नेटबॉल खेला जाता है हैंडबॉल खेला जाता है वॉलीबॉल खेली जाती है स्कोश खेला जाता है खो खो खेली जाती है कबड्डी इनके जो कोर्ट होते हैं परिसर होता है उसे आप क्या कहते हैं बेटा कोर्ट के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं आप लोग कोर्ट कहा जाता है लिख लीजिएगा क्या जाता court, tennis, bon, handball, cocoa, कहा जाता है कोर्ट ठीक है बैडमिंटन टेनिस नेटबॉल हैंडबॉल कबड्डी खो खो स्क्वेस और ये जो आपका वॉलीबॉल क्या कहा जाता है कोर्ट कहा जाता है लिख लीजिएगा ठीक है डायमंड किसे कहा जाता है बेसबॉल जहां पर खेला जाता है बेसबॉल जहां पर खेला जाता है उसे आप लोग डायमंड कहते हैं तो ये जो ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार का है ये आपका ये आपका डायमंड है है ना ये क्या है आपका डायमंड देख लो इसकी जो शेप है ये आपकी इसी वजह से इसका नाम डायमंड कहा जाता है और ये जो खेल का मैदान है बेसबॉल के खेल के मैदान को क्या कहा जाता है बेटा आपका डायमंड कहा जाता है क्या कहा जाता है डायमंड और जहां पर रिंग रिंग किसे कहते हैं जहां पर स्केटिंग होती है बॉक्सिंग तो ये तो आपका बॉक्सिंग वाला रिंग है ठीक है यहाँ पर बॉक्सिंग चल रही है यहां पर खड़ी है आपकी मैरीकॉम और यहाँ पर बॉक्सिंग बॉक्सिंग हो रही है है तो तो ये ये आपका आपका वाला रिंग और स्केटिंग वाला रिंग है, वाला रिंग है जहां पर स्केटिंग की जाती है है ना स्केटिंग वाला रिंग तो दोनों अलग अलग होते हैं दिखने में लेकिन दोनों को रिंग कहा जाता है तो जहां पर आपकी स्केटिंग होती है जहां पर आपकी बॉक्सिंग होती है उसे आप क्या कहते हो बेटा आप उसे रिंग कहते हो क्या कहते हो आप लोग रिंग कहते हो याद रखेगा ठीक है ठीक है बताइए कोई दिक्कत इसमें अरे भाई कराऊंगी मेरे कौन सा खेल किस देश में फिर वही चीज आ जाती तुम इतने नालायक क्यों जो पढ़ा रहे हो उसे पढ़ो ना जब कराऊंगी पूरा खेल वाला टॉपिक जब बोल दिया कि पूरा का पूरा कराऊंगी इस वीक में पूरा होगा तो एक साथ में क्या बीस चीजें करा दू एनडीए के न्यू बैच की डेमो क्लासेज हो गई आपकी डेमो क्लासेज आज से स्टार्ट हो रही है तो आप डेमो क्लासेज लीजिए एक एक क्वेश्चन सभी फैकल्टी चाहे वो कोई भी हो आपको चाहे फिजिक्स हो मैथ्स हो आपका जीएटी की कोई भी फैकल्टी हो इंग्लिश हो कोई भी हो एक एक क्वेश्चन पेपर में फंसा है एनडीए का एक एक क्वेश्चन जो बच्चा यहां से पढ़ के गया उसने दिल से बोला है कि पेपर क्या था बिल्कुल हलवा पेपर था वो सिर्फ उसके लिए था जिसने पढ़ के तैयारी की है तो अगर आपको भी ऐसी तैयारी करनी है तो आज जो आपकी डेमो क्लासेज है आप उनको ज्वाइन कीजिए बढ़िया तरीके से आपकी डेमो क्लासेज चल रही है शानदार तरीके से ठीक है भाई तो रिंग कहा जाता है स्केटिंग और बॉक्सिंग के ग्राउंड को ठीक है चलिएगा आगे आ जाता है आपका कोर्स कोर्स किसे कहा जाता है तो कोर्स जो आपका कहा जाता है वो गोल्फ के ग्राउंड को कहा जाता है ये जो गोल्फ का ग्राउंड है इसे आप क्या कहते हैं भाई कोर्स कहते हैं क्या कहते हैं आप लोग कोर्स कहते हैं लिख लीजिए क्या कहते हैं बच्चों इसे हम लोग कोर्स कहते हैं क्या कहते हैं कोर्स कहते हैं लिख लेंगे ठीक है पूल किसे कहा जाता है तो पूल तो तैराकी का होता है जहां पर आप लोग स्विमिंग करते, है। लो? करते हैं क्या करते हैं आप लोग स्विमिंग करते हैं बोर्ड किसे कहा जाता है टेबल टेनिस के ग्राउंड को ठीक है जहां पर आपका टेबल टेनिस का जो ग्राउंड होता है टेबल टेनिस का जो ग्राउंड होता है या फिर टेबल टेनिस का जो कोर्ट होता है उसे आप क्या कहते हैं भाई बोर्ड कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों उसे आप लोग बोर्ड कहते हैं बोर्ड जहां पर टेबल टेनिस होती है ठीक है तो टेबल टेनिस किस पे होती है वो एक बोर्ड होता है आपने देखा होगा और वो टेबल टेनिस खेलते हुए खिलाड़ियों का नज, आपकी नजरों के सामने एक पिक्चर तैयार हो रही होगी आ रही होगी उसे आप क्या कहते हैं बोर्ड कहते हैं क्या कहते हैं भाई बोर्ड कहते हैं याद रखेंगे ठीक है चलिए जो आपकांडो होता है जूड़ो होता है कराटे होते हैं वो मैट पर खेले जाते हैं किस पर भाई मैट पर ठीक है तो जहां पर ये खेले जाते हैं उसे आप क्या कहते हैं ये मैट दिखाई दे रही है आपको पटकते हैं उठा उठा के ऐसे पटक देंगे पटक नहीं देते एक दूसरे को तो अगर मैट नहीं होगी तो चोट लग जाएगी लग जाएगी ना जूड़ो कराटे में लगेगी तो ये जो है आपका मैट पर खेला जाता है याद रखेगा एरेना कहते हैं जहां पर हॉर्स राइडिंग होती है ये आप देख पा रहे होंगे ग्राउंड है आपका खाली इसे आप एरेना कहते हैं और यहां पर आपकी गुड़दौड़ की जाती है हॉर्स राइडिंग की जाती है क्या की जाती है भाई हॉर्स राइडिंग की जाती है समझ गए क्या की जाती है बच्चों हॉर्स राइडिंग ठीक है तो इसे ये है आपका क्या एरेना कहते हैं जहां पर आपकी हॉर्स राइडिंग होती है नेक्स्ट है आपका वेलेड्रोन किसे कहते हैं जहां पर साइकिलिंग होती है ये आप देख पा रहे होंगे साइकिलिंग हो रही है ना यहाँ पर ये साइकिल चला रहे हैं तो ये जो ग्राउंड है इसे आप क्या कहते हैं वेलेड्रोम कहते हैं क्या कहते हैं वेलेड्रोम तो पेपर में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं थोड़ा अलग नाम है क्या होता है ये आपसे पूछ सकता है तो जहां पर आपकी साइकिलिंग की जाती है उसे आप क्या कहते हैं भाई वेलेड्रोम कहते हैं क्या कहते हैं आप लोग वेलेड्रोम कहते हैं याद रखेगा ठीक है कोई दिक्कत है तो बताइए इतने में कोई दिक्कत तो बता सकते हैं आप लोग मुझे वेलेड्रोम नेक्स्ट आ जाता है आपका देखिएगा फील्ड किसे कहा जाता है तो फील्ड में पोलो खेला जाता है फुटबॉल खेली जाती है हॉकी खेली जाती है क्रिकेट कभी भी फील्ड में नहीं खेला जाता लगता है आपको हरा भरा खुला खुला सा और आप उसे कह सकते हैं कि ये आपका फील्ड है लेकिन वो आपका फील्ड नहीं होती है वो क्या होता है आपका पिच होती है तो क्रिकेट हमेशा पिच पर खेला जाता है है ना पिच पर खेला जाता है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको क्रिकेट के बारे में बताने की जरूरत है तुम महान हो तुम्हें पता है एथलेटिक्स के लिए ट्रैक होता है ट्रैक आपने देखा होगा एथलेटिक्स वाला क्या होता है वो आपका ट्रैक होता है याद रखेगा ठीक है ठीक है क्लियर है तो जो क्रिकेट फील्ड होती है ये रही आपकी क्रिकेट फील्ड इसे आप लोग पिच कहते हैं क्या कहते हैं भाई आप लोग इसे आप लोग पिच कहते हैं पिच ठीक है तो क्रिकेट किस पर खेला जाता है पिच पर खेला जाता है ठीक है कितना जो है 22 यार्ड लंबा होता है आपका कितना यार्ड होता है भाई बाईस यार्ड तो ये जो लंबाई होती है ये कितने यार्ड्स की होती है बाईस यार्ड्स की लंबाई होती है कितने यार्ड्स की होती है बेटा आपके बाईस यार्ड्स की लंबाई होती है याद रखेगा ठीक है बिल्कुल 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 दस फीट चौड़ा होता है दस फीट ठीक है तो क्रिकेट की पिच से भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में दो स्टम्स के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए बताओ कितनी होनी चाहिए 22 यार्ड की होनी चाहिए बताओ कितनी होनी चाहिए ठीक है तो इतनी चीजें हम नहीं जाएंगे अभी इतना याद रखना ये जो लंबाई है आपकी कितनी है 22 यार्ड की पिच आपका क्रिकेट पर खेला क्रिकेट पर क्रिकेट आपका पिच पर खेला जाता है ठीक है एथलेटिक्स ट्रैक पे होते हैं रेंज कहते हैं जहां पर आपकी शूटिंग होती है आर्चरी होती है देखा होगा मनु भाकर को इस तरह से रेंज या शूटिंग करते हुए जब उनकी पिस्टल खराब हो गई थी टोक्यो ओलंपिक में तो ये आपका शूटिंग रेंज होती है तो जहां पर शूटिंग होती है उसे आप क्या कहते हैं रेंज कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों रेंज कहते हैं लिख लीजिएगा ठीक है बिल्कुल ठीक है भाई और ये है आपका एक आप देख सकते हैं यहां पर आपकी आइस हॉकी खेली जाती है और इसे आप रिंक कहते हैं क्या कहते हैं आप लोग रिंक कहते हैं रिंक R -I -N -K. क्या कहा जाता है बच्चों रिंक कहा है? कहा है? रिंक कहा 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 जाता 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 है 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 लिख लीजिएगा क्या नोट डाउन करेंगे आप लोग यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बताइए इन चीजों में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं बताइएगा जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताइए कोई डाउट है ना अब मैं अगर आपसे पूछूं कि गोल्फ कहाँ पर खेलते हैं पोलो कहाँ पर खेलते हैं बैडमिंटन कहाँ पर खेलते हैं या फिर आपका बॉक्सिंग पर होती रिंग में होती है रिंग में आपकी आइस हॉकी होती है तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इजीली आप लोग याद कर सकते हैं तो वेरी गुड कर सकते हैं तो अब हम चलते हैं आगे ठीक है कुछ आपके खेल हैं उनमें किन किन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है वो लिख लीजिएगा कि खेलों में किन किन वर्ड्स का यूज होता है कौन कौन सी टर्म्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट है वो लिखेंगे सबसे पहले तो सबसे पहले लिख लीजिएगा आप लोग बेसबॉल के बारे में या एथलेटिक्स के बारे में में तो सबसे पहले बेसबॉल बेसबॉल से स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है कि में कौन कौन सी टर्म्स का आप लोग यूज करते हो ठीक है बेसबॉल में कौन कौन से टर्म्स यानी कि कौन कौन से शब्दों का तो बेसबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने एक बार फिर से बता देना एक टर्म होती है पिंचिंग पिंचिंग होती है होम रन होता है तो लिखेंगे आप लोग पिंचिंग है ना इनको थोड़ा इंग्लिश में लिखेगा पिंचिंग होम रन लिख सकते हैं आप लोग एक होता है आपका होम रन ठीक है पिंचिंग हो गई आपकी होम रन हो गया एक होता है आपका बेस रनर एक होता है परफेक्ट गेम थ्रो होता है स्ट्राइक होता है पुट आउट होता है तो ये थ्रो हो गया स्ट्राइक हो गया पुट आउट हो गया ये नॉर्मल वर्ड्स होते हैं जो कि यूजुअली हर खेल में आप काफी सारे खेलों में यूज करते हो ये पेपर में नहीं आते कुछ ऐसी चीजें आती जो अलग होती है जैसे कि अगर हम बास्केटबॉल की बात करते हैं किसकी बास्केटबॉल ठीक है तो बास्केटबॉल में कुछ आपकी चीजें होती है है ना तो कॉमन फाउल होता है अंडर हेड होता है टेक्निकल फाउल होता है ओवर हेड होता है तो ये अंडर हेड ठीक है आपसे पूछ सकता है किस खेल में यूज होता है ओवर हेड किस में होता है आपका ओवर हेड कॉमन फाउल किसमें होता है कॉमन फाउल और आपका टेक्निकल फाउल किस में होता है है ना टेक्निकल फाउल ये आपसे पूछ सकता है किन खेलों में इस्तेमाल होते हैं तो आपके बास्केटबॉल में होते हैं होते हैं ना कभी बास्केटबॉल स्कूल वगैरह में तुमने खेली होगी तो देखा होगा ये जो पांच कह रहे हैं कि पांच होते हैं बास्केटबॉल में अच्छा छे ये छे कौन बता रहा है भाई पूर्वी की तरह लगती हो। अच्छा, एक खेल होता है आपका ठीक है? इस ब्रिज में कितने खिलाड़ी होते हैं बताइएगा पीछे बताया था भी आपको कि ब्रिज में कितने खिलाड़ी होते हैं जो ब्रिज होता है इसमें कुछ टर्म्स का यूज होता है जैसे कि मास्टर पॉइंट होता है आपका एक डमी होता है ठीक है तो ये आपके पेपर में आते हैं एक होता है आपका मास्टर पॉइंट एक होता है आपका डमी तो लिख लीजिएगा ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं ठीक है भाई मास्टर पॉइंट हो गया आपका डमी हो गया एनी डाउट एनी डाउट यू कैन आस्क पूछिए अगर कोई डाउट है आपको नहीं तो फिर हम साइकिलिंग में चलते हैं साइकिलिंग में वही होती है आपकी ट्रैक रेस होती है पॉइंट रेस होती है और आपकी ट्रैकिंग होती है ये आपके साइकिलिंग में यूज होते हैं जनरल टर्म्स है जो आपकी नॉर्मली यूज की जाती है ठीक है चेस में लिख लेना चेस वाला काफी बार आपके पेपर में आ चुका है ये स्टार लगा के लिख लीजिएगा और उम्मीद है कि काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है आपसे तो एक टर्म होती है आपकी गैम्बिट ठीक है भाई गैम्बिट प्रयोग किया जाता है चेस से संबंधित है यूज किया जाता है गैम्बिट यूज किया जाता है लिखेंगे आप लोग गैम्बिट होता है आपका चेकमेट होता है आपका ठीक है भाई चेकमेट भी होता है तो गैम्बिट आपका बहुत बार पेपर में आता है ठीक है और भी आपके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं लेकिन एक गैम्बिट आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है कि गैम्बिट का संबंध किस खेल से है तो किससे है आप बता सकते हैं एनी डाउट देखो बेटा उम्मीद ये है कि जल्दी से आपका रिजल्ट आए फिर आपका जो है आ, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा अभी आपका रिजल्ट होल्ड पे है लेकिन मैं ये कहूंगी अगर आपका टारगेट है फोर्स में सिलेक्शन लेने का अगर आपका जुनून है आपका सपना है कि आपको एक डिफेंस की डिफेंस में जाना है देश की सेवा करनी है तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको इंतजार करना चाहिए आप अपनी, अपने अपने आप को देखिए आप कितने तैयार हैं ये जो टाइम आपको मिल रहा है दोनों चीजें होती है जिंदगी में अगर कुछ भी चीज है तो उसके दो परस्पेक्टिव होते हैं चीजों को देखने के पहला ये होता है कि मैं कब शुरू करूं दूसरा ये होता है कि मैंने शुरुआत की कर रखी है जीत मेरी होगी तो जीत उसकी होती है जो पहले से शुरू करके रखता है ठीक है कभी भी मत देखो कि मुझे मौका कब मिलेगा जैसे ही मौका मिलेगा मैं उसको अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दूंगा चांस और अपॉर्चुनिटी में क्या डिफरेंस होता है किसी किसी को चांस मिलता है किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होती है तो चांस उसके लिए होता है जो चांस का इंतजार करता है आप में से 90 परसेंट लोग जो है चांस का इंतजार करते हैं हमें चांस कब मिलेगा वैकेंसी कब आएगी अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि चांस कभी भी मिले मैंने खुद को इतना तैयार कर लिया कि जब वो चांस मिलेगा तो मैं उसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दूंगा ठीक है तो अवसर में और भाई उसको जो है एक अपॉर्चुनिटी में चेंज करने में बहुत डिफरेंस होता है तो कभी भी ये सोच के ना बैठे कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन फॉर्म भरूंगा उस दिन भी नहीं भरा जाता पहले तो आप इंतजार करते हैं नोटिफिकेशन कब आएगा फिर इंतजार करते हैं इसकी अच्छा अभी तो तीस दिन तक भरे जाना है तीस तारीख लास्ट डेट है अट्ठाईस को भरूंगा है ना फिर अट्ठाईस को हाथ पैर फूलते हैं फिर तुम यहाँ पे मैसेज वगैरह करते हो मैम ये दिक्कत आ गई वो दिक्कत आ गई इस दर एनी सोल्यूशन है कोई सोल्यूशन हम कहते हैं बेटा कोई सोल्यूशन नहीं है होता है तो बता देते हैं फिर एडमिट कार्ड का वेट किया जाता है हम बहुत तुम स्टूडेंट्स की ना बहुत सारी दिक्कतें हैं फिर एडमिट कार्ड का वेट करते हो यार एडमिट कार्ड आएगा दो महीने बाद दो महीने पहले कौन तैयारी करता है एग्जामपुर वाले क्रैश कोर्स चलाते हैं पंद्रह बीस दिन का वही देख लूंगा है ना होता है कि नहीं होता है फिर एडमिट कार्ड का वेट करेंगे फिर एडमिट कार्ड भी आ जाता है, चैन नहीं आता पेपर से दो दिन पहले पढ़ने बैठते हो ठीक है दो दिन पहले तो कभी भी जिंदगी में रुकना नहीं चाहिए मैंने क्लास रोते बोला था दौड़ो दौड़ नहीं सकते चलो चल नहीं सकते रेंगो लेकिन रुको मत अगर आप रुक जाओगे तो रुकने का मतलब होता है जंग लग जाना और जंग किसी चीज में लग जाता है ना फिर वो रस्ट हो जाती है क्या हो जाती है रस्ट रस्ट इज द वेस्ट फिर आप उसको कुछ यूटिलाइज नहीं कर सकते तो अपनी बुद्धि को विकसित करो जितना कर सकते हो अलग अलग चीजें करो पढ़ो जितना पढ़ सकते हो ठीक है पढ़ो जितना पढ़ सकते हो लेकिन हम मुद्दे से हट जाते हैं हम इंतजार करते हैं तो भी आएगी ऐसा नहीं है ना कि वैकेंसी आएगी नहीं रिजल्ट आएगा ही नहीं कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है हमने बहुत कोशिशें की जितनी कर सकते हैं बैकहैंड मतलब जितने भी कोशिशें हैं अभी भी मीटिंग वगैरह होती है, सोचते हैं कि कैसे हम चीजों को सुधार सकते हैं लेकिन एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए आपका काम है पढ़ना पढ़ो अच्छे से ठीक है बिल्कुल कश्ती टूटने से कोई नहीं डूबता है ना टूटने से कोई नहीं डूबता है बिल्कुल सही बात है है आपकी। और तैरना तैरना नहीं आता है तो सीख है भाई? चेस वाली मैं आपको बता देती हूँ अभी अगर आप लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हो बेटा ये सबके लिए अगर आप नेवी की तैयारी कर रहे हो अगर आप पढ़ाया बेकार नहीं जाता रवि बिल्कुल सही बोलते रवि सर पढ़ा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता जो आपने सीखा है ना वो कभी भी आपके लिए मतलब हानिकारक नहीं है पर जो पढ़ोगे उतना याद रहेगा उतना अच्छा है जिंदगी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जरूर काम आता है आपके पढ़ा हुआ एक इकलौती चीज है जो कभी आपको धोखा नहीं देती आपकी एजुकेशन आपकी शिक्षा जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है कभी धोखा नहीं देती सब धोखा दे देंगे सब साथ छोड़ देते हैं छोड़ के भी चले जाते हैं लोग लेकिन एजुकेशन ज्ञान शिक्षा जो आपने प्राप्त की है वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगी ठीक लेकिन वो भी एक शर्त मांगती है लगातार जैसा मैंने बोला रुकना नहीं होता उसमें ठीक है तो अगर आप लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ आप लोगों का जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है और आप लोगों की डेमो क्लासेस चल रही हैं कौन कौन सी डेमो क्लासेज हैं वो देख लीजिएगा आप लोग अगर हम बात करें यहां पर आज आपका पहला डेमो आएगा डेमो क्लास वन ये आपकी 16 नवंबर दोपहर एक बजे 16 नवंबर यानी कि आज दोपहर एक बजे आपके केमिस्ट्री की के डेमो क्लास आएगी एनडीए की केमिस्ट्री की के डेमो क्लास है आपकी एनडीए की ठीक है बच्चा उसके बाद में आपका जो दूसरा डेमो है वो आपका जोग्राफी का है दोपहर तीन बजे से दोपहर तीन बजे से आपके ज्योग्राफी अविनाश सर भाई वाह क्या पढ़ाते हैं अविनाश सर शानदार आपका डेमो आएगा उसे आप लोग देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से हाँ डेली अपनी यही टाइमिंग रहेगी हम टाइम नहीं चेंज करने वाले ठीक है और बाकी खेलों में कौन कौन से शब्द होते हैं काफी सारे शब्द होते हैं अगर हम बात करेंगे यहां पर बिल्कुल बात है तो तुम भी बहुत बनाते हो मुझे लगता था मैं ही बात करती हूँ ठीक है बैडमिंटन बैडमिंटन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो बैडमिंटन में कुछ टर्म्स होती है जैसे नेट होता है आपका लव होता है लव ठीक है तो एक लव टर्म होती है आपकी ये आपकी बैडमिंटन में यूज की जाती है स्मैश होता है आपका होता है कि नहीं होता है होता है ना स्मैश तो ये आपके बैडमिंटन में यूज होते हैं इसमें ये आपका जो लव टर्म है ये काफी आपके एग्जाम में आती है नेट भी आ जाता है ठीक है तो नेट लव ये सारे के सारे आपके बैडमिंटन में यूज किए जाते हैं किसमें भाई आपके बैडमिंटन में लिख लीजिएगा ठीक है एक होती है बंकर बंकर टर्म तो बताइएगा बंकर टर्म किसमें यूज होती है गोल्फ में गोल्फ में एक टर्म होती है आपकी बंकर वैसे तो आपको बत्तीसों टर्म्स होती है मतलब बहुत सारे वर्ड होते हैं बहुत सारे आपको सारे याद नहीं करने स्मार्ट वे में स्टडी करनी चाहिए है ना बिल्कुल तो यहां पर आप देख लीजिएगा ये जो टर्म्स है आपकी ये इंपॉर्टेंट है है आपके लिए ठीक है, पोलो में एक होती है आपकी पोलो बंकर होती है, एक मैले होती है है एक टर्म तो ये आपके पोलो में होती है लिख लीजिएगा कौन सी होती है आपकी मैलेट टर्म होती है पोलो में क्या होती है आपकी मैलेट टर्म किसमें होती है पोलो में होती है किसमें बच्चों पोलो में होती है लिख लीजिएगा एनी डाउट कोई डाउट है तो पूछिए डेमो आपका यूट्यूब पर चलेगा बेटा यूट्यूब पे चलेगी डेमो क्लास एनडीए की यूट्यूब पर चलने वाली है है ना यूट्यूब पर चलेगी कोई दिक्कत तो बताइए यूट्यूब पे चलेगी अब आप मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है ड्यू uh, स्टम होती है है ना ड्यू स्टर्म का क्या होता है ड्यूस क्या होता है आप मुझे बताइएगा जो ड्यू स्टर्म है ये आपके पेपर में पूछी गई थी एयरफोर्स के पेपर में कि ड्यूस क्या होता है आप मुझे बताएंगे कि ड्यूस टर्म जो होती है उसका क्या मतलब होता है ठीक है जब किसी खेल में पॉइंट इक्वल हो जाते हैं जैसे मान लो बीस बीस गेम का पॉइंट का खेल है आपका इक्वल हो जाए दोनों में तो एक खिलाड़ी को दो पॉइंट एक्स्ट्रा करने होते हैं टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स लगातार दो पॉइंट करने होते हैं चालीस चालीस पॉइंट कहते हैं चालीस चालीस बराबर हो जाए उसे आप ड्यूस कहते हैं ये कई खेलों में इस्तेमाल किया जाता है आपका जैसे टेनिस हो गया आपका ठीक है काफी खेलों में यूज होता है ड्यूस टर्म यहां तक में डाउट है तो पूछ लेना कल मैं आपको स्टेडियम देशों के कौन कौन से राष्ट्रीय खेल हैं आपके और एक आपके कप्स एंड ट्रॉफी ये वाला सेक्शन हम कल करेंगे है ना ये वाला सेक्शन हम कल करेंगे ठीक है चलिए और बताइए यस मैम बता दिए क्या बता दिए बताओ अब ठीक मेरे बाद आपकी मैथ्स की क्लास है आकाश सर की वो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से ठीक है तुम्हें कोई डाउट है इसमें तो मुझे बता सकते हो कल से आपकी क्लासेस वैसे भी प्रॉपरली हो जाएंगे शुरू। मतलब सारी फिजिक्स मैथ्स की भी क्लास हुई थी आज आपके ताहिर सर की इंग्लिश की भी हुई होगी तो सारी की सारी हो जाएंगी आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते मुझे ये बताओ एक तितली है आपकी जिसका नाम है केसर ए हिंद क्या नाम है आपका केसर ए हिंद नाम है आपका तितली का ये किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई बनी है किस राज्य ने इसे अपना राज्य की तितली घोषित किया है बताएंगे आप लोग किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है केसर ए हिंद को उत्तर दीजिएगा केसर ए हिंद किस राज्य की बटरफ्लाई एक नया वायरस आया है आपका नोरो वायरस किस राज्य में आया है सबसे पहले बताइएगा नोरो वायरस के केस किस राज्य में देखे गए हैं उत्तर दीजिए बताइएगा है ना बताइएगा आप लोग कौन से राज्य में बताइए फटाफट बताइए तुमने कभी मोबाइल में नहीं देखा ब्रिज गेम क्या होता है वो तुमने कार्ड नहीं देखे पत्ते ना खेले कभी देखे नहीं मतलब खेलते हुए ब्रिज गेम जो होता है कसीनो वगैरह में जो होता है या वैसे भी खेला जाता है आपका ब्रिज गेम होता है वो आपका ठीक है आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश है नलाय को अरुणाचल प्रदेश आंसर आएगा ठीक है क्या आंसर आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश आएगा सबका गलत है आंध्र प्रदेश ठीक है तुम्हारी बहुत कमजोर है, थोड़ी से बादाम-बादाम खा लिया करो नहीं तो सुबह सुबह उठ के थोड़ी दौड़ लगा लिया करो अरुणाचल प्रदेश आएगा नोरो वायरस केरल में देखा गया है सबसे पहले कहां पर मिला है आपको केरल में मिला है जो सीबीआई होती है आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और जो आपका ईडी है है ना सीबीआई और ईडी इसके जो अध्यक्ष होते थे उनका कार्यकाल होता था दो साल का उसे बढ़ा के कर दिया गया है आपका पांच साल का कितने साल का पांच साल का याद रखेगा इसके लिए एक अध्यादेश जारी किया गया मतलब दो अध्यादेश जारी किए गए आपके राष्ट्रपति के द्वारा ठीक है किसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है ये शक्ति आर्टिकल नंबर 123 में आती है

कल और अच्छे से पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से अच्छे से पढ़िए खुश रहिए स्वस्थ रहिए आ सकते हैं आप लोग एनडीए के डेमो क्लास में अगर सपना है जुनून है लेफ्टिनेंट बनने का ठीक है तो जरूर पूरा कीजिए एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर के साथ एक एक अच्छा हमारी पहचान है पेपर फंसाने की तो पेपर फंसाया जाता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए है ना आप लोगों के प्यार से नौ सौ पचास इक्यावन के आपका हो चुका है तो जल्दी से थोड़ा आगे बढ़ाइए ठीक है चलिए उस दिन डांस करेंगे और उस दिन मिठाई भी खिलाएंगे ठीक है थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत